अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ठक 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 ठक, ये क्या है ठक ठक? अदरक लहसुन है और ये पीस रही हूँ मैं अभी। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना, जिसे बोलते हैं आज प्रॉपर कोई कुकिंग कर रही हूँ, वरना पता है क्या हो रहा था, कभी कुछ तो कभी कुछ ना, बस ऐसे समझे कि गुजारा चल रहा था हमारा। आज जो है ना, काफ़ी दिनों के बाद मैं कुछ खाना बना रही हूँ, और खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी जेठानी क्या भी जाएगा और मेरे घर पे हम लोग भी खाएंगे, तो उनकी तबीयत ख़राब है, बुखार है उनको काफ़ी हद तक, तो मैंने उनसे बोला कि चले आप रेस्ट करें और मैं खाना बनाती हूँ। तो आज जो है ना, बस बना तो कुछ सिंपल सा रही हूँ और मगर मज़ेदार बहुत होता है। अब जो है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सी चीज़ है जो मज़ेदार होती है। बहुत सारे बहन भाई पूछ रहे थे आपके हस्बैंड कब आएंगे कब आएंगे, नहीं है कब आएंगे, मुझे आइडिया नहीं है, और सच पूछे तो मैं पूछती भी नहीं हूँ क्योंकि हमारे लिए जाते हैं ना वो, यही समझ लें कि अगर बाहर जाते हैं तो एक कमाने का जरिया होता है ये। बाहर बंदा जो है विजिट करता है, बाहर जाता है तो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर के लिए जाता है, तो पीछे से अगर औरत उसे यानी बीवी के परेशान करे के पूछे तो कब आएंगे, तो उससे ये होता है कि मेंटली तौर पे बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं उनसे नहीं पूछती, इसलिए नहीं पूछती क्योंकि वो परेशान ना हो, हमारे लिए जाते हैं, जाहिर है हमारे पेट के लिए जाते हैं, तो जब उनका दिल चाहेगा, जब वो फ्री हो जाएंगे तो ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक खैर खैरियत से लेकर आए बस। तो जनाब ये देख लें, मैं बना रही हूँ माश की दाल, और माश की दाल जो है ना बहुत पसंद की जाती है अक्सर घरों में, और काफ़ी सारे लोग जो है ना दोपहर में बनाते हैं, रात में नहीं बनाते, तो खाना खाने का जो है ना कोई ऐसा मसला नहीं होता, भले आप किसी भी टाइम बना लें। तो जनाब मैं जो हूँ ना, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, और साथ में मैं ले रही हूँ ज़रा सा यानी गर्म मसाला ले रही हूँ मोइनर सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खुशबू आने के लिए, क्योंकि ये गर्म मसाला जो है ना चार चांद लगा देती है खानों में। तो बहरहाल अभी मैंने थोड़ा जो है ना टमाटर काटे हैं अपना, यानी जो कि मुझे ज़रूरत है टमाटर, मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, और मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। तो चलें जी बनाते हैं अभी अच्छी सी रेसिपी। चलें जी, प्याज हमारे रेड हो रहे हैं, और अक्सर जो है ना मैं लकड़ी का चम्मच यूज़ करती हूँ, लकड़ी का चम्मच यूज़ करने से होता ये है कि ये गर्म नहीं होता, और इस तरह का चम्मच अगर यूज़ करें ना तो पकाते हुए बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है और हाथ भी बहुत ज़्यादा जलने का खौफ होता है। बहुत दफ़ा मेरे हाथ भी जले हैं, मगर लकड़ी के चम्मच से बहुत ही बचत हो जाती है, गर्म बहुत कम होता है ये। तो अब तो नॉन स्टिक का फैशन आ गया, हर कोई नॉन स्टिक जो है ना यूज़ कर रहा है, मगर जितना खाना जो है ना इस पतीली में अच्छा बनता है या मिट्टी के बर्तन में, और मैं समझती हूँ कि नॉन स्टिक में इतना अच्छा नहीं बनता। नॉन स्टिक में सिर्फ और सिर्फ पराठे अच्छे बनते हैं, चावल अच्छे बनते हैं, या कोई मीठा अच्छा बना लें, तो वैसे दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। मैं भी शौकिया लेकर आई थी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, इसलिए जाना मैं तो इसी पतीलियों में बनाती हूँ। बुनाइयाँ शुनाइयाँ बड़ी अच्छी से होती हैं। जनाब हमारे जो है ना प्याज ब्राउन हो चुके हैं, और मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद भी भुनाइयाँ सुनाइयाँ करते हैं अच्छे से, जो कि हर कोई करता है, मैं भी वही कर रही हूँ। अभी जो है ना वो करने के बाद मसाले डालेंगे, और फिर जो है ना इसमें एक कतरा भी पानी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 6 घंटे भिगो के रखा है, और इसको सिर्फ हल्की आँच पर भुनाई होती है, और ये बहुत ही मज़ेदार सी दाल तैयार होगी अभी, और मैं आप लोगों को लास्ट में लुक भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोग तो खैर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस भी होता है आप लोगों को, मैं भी बनाती हूँ, मगर मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं जो हूँ ना, अगर प्रॉपर खाना बनाने खड़ी हो गई ना तो बच्चों की पढ़ाई बड़ा डिस्टर्ब होने वाली है मेरी, तो मैं अपने बच्चों को भी प्रॉपर देख रही होती हूँ साथ साथ, और साथ साथ बना रही होती हूँ वीडियो। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि चलें भी आज की छोटी सी डिश जो मैं बना रही हूँ आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं दाल किस तरह बनाती हूँ। प्याज ब्राउन होने के बाद टमाटर डाले, मसाला डाला, और अब मैं डालूंगी मसाला डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट,
और अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज में मैं पहले नहीं डालती हूँ, मैं थोड़ा मसाला भूनने के बाद डालती हूँ, और ताकि इसका जो है टेस्ट रहे और इसकी खुशबू भी आए ना। तो अभी जो है ना, कुछ खाने ऐसे होते हैं कि पहले डालना पड़ता है अदरक लहसुन, और कुछ खाने ऐसे होते हैं कि हम तो थोड़ा लास्ट में डालते हैं। तो इस दाल में जो है ना बाद में डालते हैं ताकि इसका जो है ना खुशबू रहे। तो बस अदरक लहसुन डालने के बाद हम ये दाल डाल देंगे और इसकी करेंगे भुनाइयाँ। और भुनाइयाँ करने के बाद जब ये गल जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को इसका लुक दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और बस अभी जो है ना, और कल जो है ना मेरे बच्चों का लास्ट डे होगा, और जो स्कूल वालों के चोचले होते हैं कि फलाना डे फलाना डे फलाना डे ना, तो बड़े भाई महीनों में पता नहीं कितने डे रखे हैं। अब चार बच्चे हैं, चारों बच्चों के अलग अलग जो है ना उनका एक जिसे बोलते हैं ना डे और लंच, और बच्चों का भी अपना, हम अपने बच्चों का भी कसूर समझते हैं कि टीचर एक शोशा छोड़ देती हैं और बच्चे जो है ना उस शोशे को पकड़ के आ जाते हैं। तो समझ लें पिछले वीक जो गुजर चुका है, जिस दिन हमने पिज्ज़ा खाने गए थे, तो उस दिन भी अदीमा का कोई फ्रूट डे था। तो एक सिंपल सा फ्रूट डे था, और उसमें जो है बच्चों को डिमांड की गई थी कि दो फ्रूट्स लेकर आ गए, हाँ यानी दो आइटम, दो अलग अलग किस्म के फ्रूट चाहिए। तो ज़ाहिर है बच्चा जो फ्रूट खाता है वही फ्रूट लेने पड़ते हैं, और एक फ्रूट तो बंदा इतना सा तो नहीं ले सकता, ज़ाहिर है पूरा प्रॉपर लेना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं प्रॉपर ही फ्रूट लेके स्कूल भी भेज देती हूँ। तो बच्चों को तो खैर एक फांक भी खाने को नहीं मिलती मगर ये है कि फ्रूट्स डे हो जाता है। तो आज भी जो है ना मुझे ये चोचले पूरे करने के लिए अभी जाना है खाना बनाने के बाद, और बच्चों के जो है ना चारों बच्चों के अलग अलग चीज़ें लेनी है। आज एक बच्चे का पिज्ज़ा लेके जाना है, एक बच्चे ने बोला है कि हमारे फ्रूट्स डे होगा, और ज़ाहिर है फिर दो बच्चे जो बच्चे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है ना बस मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती है ना कि समझ में नहीं आता कि इंसान करे तो क्या करे। और महंगाई और हमारे मुल्क के हालात जो कि इस टाइम हो रहे हैं, तो हर कोई परेशान है। बस हम माँ बाप यही चाहते कि हमारे बच्चे कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ लें, एजुकेशन हासिल कर लें, और जिस दौर में हम लोग पढ़े तो वहाँ पर तो कोई ऐसी डिमांड नहीं हुआ करती थी कि ये डे तो वो डे, हमें तो तराना पढ़ा के सीधा स्कूल में बस क्लास में फेंक देती थी टीचर्स, और कभी नहीं हम लोगों का ये वक्त गुजरा। आजकल भी बहुत महंगाई होती है। वैसे जी भुनाई करने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट देना है अभी, और थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करके मैंने अब इसमें ऐड किया है, और भुनाई करते हुए पानी ऐड नहीं करते। तो लास्ट में बस मैं दम पे जब रखती हूँ ना तब मैं इसमें उबला हुआ बॉयल पानी गर्म डाल देती हूँ। तो अभी 20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ यहाँ पर। हमारी दाल जो है ना फाइनली पक चुकी है, और मैं इसको जो है ना भून रही हूँ अच्छे तरीके से। और जब तक भुनाई ना करें ना तो मज़ा नहीं आता, प्याज टमाटर ऊपर से तैरते हैं समझ में नहीं आते तो 20 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दाल तैयार हो चुकी है हमारी। तो अब जो है ना इसको डिश आउट करती हूँ, और इसमें जो है ना जाने वाला है, ये जाने वाला है भाई, जाने वाला है, तो ये जो है ना बर्तन जाने वाला है, तो इसलिए मैं इसी में ही डिश आउट कर रही हूँ। और बहुत ही मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हुई है, आधी हमारे पास और आधी हमारी जिठानी के पास जाएगी। तो ये देख लें हमारी ये दाल है, और ये जो है माश की दाल, इतनी कोई लजीज बनती है। अक्सर आप लोगों ने ना हाईवे रोड पे ढाबा पे खाई होगी, जो हाईवे पे जाते हैं, तो हाईवे पे मैंने बहुत खाना खाया है, वो भी देसी फूड खाया है, और उसमें से एक चने की दाल पालक मुझे बहुत पसंद आई थी, और एक माश की दाल। तो मैंने ये तरकीब उन होटल वालों से पूछी थी और वो बनाई है, आज बनाती हूँ, अक्सर बनाती हूँ। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।